हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर महिलाएं ये जान सकती हैं कि उनको गर्भधारण क्यों नहीं हो रहा है। अमूमन काफ़ी सारी महिलाओं को आजकल केवल इनफर्टिलिटी रेज जो इंक्रीज हो रहा है वो थायराइड की वजह से हो रहा है। महिलाओं में दो तरीके के थायराइड होते हैं। एक होता है थायराइड जो कि हार्मोन्स है और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता। दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। ये दोनों कंडीशंस में क्या क्या अंतर होते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको केवल थायराइड है और इसकी प्रॉब्लम है तो आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वेट गेन बहुत तेजी से महिलाओं में होता है और अगर वो कम खाना खाती हैं फिर भी उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और अगर आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो इसमें फ्रेंड्स कई सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि वेट लॉस होने लगता है। वेट बढ़ने की बजाय वेट घटने लगता है, अंडरवेट कई सारी महिलाएं हो जाती हैं। इनके और भी खास लक्षण होते हैं अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो। देखिए, आपको ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगी, आपके पैर ठंडे रहेंगे, आपके हाथ ठंडे रहेंगे, आपके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा रूखापन, त्वचा काफ़ी रूखी रूखी सी हो जाती है। इसके अलावा मसल्स पेन होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कई सारी महिलाओं को जो है काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट सी महसूस होती है, झुंझुलाहट सी महसूस होती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, बार बार पेट का खराब हो जाना, बिगड़ जाना। महीने में कई बार आपने कुछ ऐसा खाना नहीं खाया है जिससे पेट खराब हो लेकिन फिर भी आपको गैस ज़्यादा बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये थायराइड के प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल जो वैल्यू होती है महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी अगर कंसीव कर रहे हैं या फिर नॉर्मल बॉडी है ह्यूमन बॉडी, तो उसके अंदर 5 से 7 पॉइंट के रेशियो के वैल्यू के अंदर ही होना चाहिए आपका थायराइड। बट फिर भी अगर आप प्रेगनेंट होना चाहती हैं या प्रेगनेंट महिला हैं तो फ्रेंड्स उनका जो थायराइड का लेवल होना चाहिए वो 2 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। इसका क्यों रेशियो सही होना चाहिए, इसके कुछ मेजर कारण होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर प्रेगनेंट महिला है और उसका थायराइड बढ़ जाता है तो उसका अर्ली मिसकैरेज का चांसेस बहुत अधिक हो जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और उसमें थायराइड का लेवल बढ़ता चला जा रहा है तो इससे कई बार ऐसा होता है कि 6 वीक्स के बाद बच्चे की हार्ट जो है, हार्ट बीट जो है, जो आनी चाहिए वो कई बार डॉपलर में नहीं हो पाती है, यानी कि आ ही नहीं पाती है, साइलेंट मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, बाद में नुकसान हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद, इसलिए थायराइड पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपको ये सारे लक्षण फील हो रहे हैं, सडन वेट बढ़ रहा है, वेट घट रहा है, या फिर और भी सिम्टम्स जो मैंने बताया अपीयर हो रहे हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है और वो आपके थायराइड की मेडिसिन जो है स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, थायराइड की मेडिसिन एवरी डे आपको एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, ओनली 1 टैबलेट होती है। और इसकी जो जाँच होती है वो आपके ब्लड के सैंपल से होती है। खाली पेट आपको एम्प्टी स्टमक रहना होता है और मॉर्निंग का आपका जो सैंपल होता है, ब्लड सैंपल, वो ले करके वहाँ पर वैल्यूएशन चेक कर लिया जाता है कि थायराइड का क्या लेवल चल रहा है। अगर 2 से अधिक होगा तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर आपको मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे, लिख ही देंगे। और अगर वैल्यूएशन 2 पॉइंट तक है या फिर ठीक है थायराइड लेवल, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ महिलाओं के मन में ये प्रश्न होंगे कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, थायराइड लेवल मेरा बढ़ा हुआ है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्या इसमें कंसीव करना इम्पॉसिबल हो सकता है? ऐसा नहीं होता है, प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है, लेकिन उसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते वक्त। तो इसलिए डॉक्टर इस पर काफ़ी ध्यान देते हैं कि बच्चे को कोई हार्म ना हो, इसीलिए थायराइड के प्रॉपर मेडिकेशन समय पे स्टार्ट करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो चलिए हो गई वो सारी बातें कि इनफर्टिलिटी रेशियो आप में क्यों हाई हो रहा है, ऐसे कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो आप कॉन्शियस हो जाइए। अब देखिए, घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ चीज़ें जो थायराइड जिनको होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कि आयरन की प्रचुर मात्रा से भरी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली हो गया, ठीक है, कॉलीफ्लावर, से सारी चीज़ें आपको जो है कम मात्रा कर देनी है या बंद कर
देना है और कंटिन्यूटी बेस पे बंद तो नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं ताकि आपका जो बॉडी है वो अडॉप्ट करने के लिए हैबिचुएटेड रहे, लेकिन इन सारी चीज़ों को बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, कम कर देना चाहिए। और आपको क्या अब खाना चाहिए, तो देखिए डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है माना जाता है, जो कि दूध दही से बनी हुई चीज़ें होती हैं ना वो थायराइड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उसे थायराइड बैलेंस में आता है काफ़ी जल्दी, तो आप वैसी चीज़ों का चयन करिए। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको पीसीओडी हो, पीसीओएस हो या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, कैसी भी थायराइड हो हाइपोथायराइड हो, तो भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत मस्ट होता है। और डॉक्टर इसके लिए योगा, प्राणायाम या फिर आपको ऐसे एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस करने की सलाह देते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो ऐसे एक्सरसाइजेस करिए जो कंटिन्यूटी बेस पे आप 30 मिनट्स रेगुलर डेली पर डे कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स स्ट्रेस लेना कम करिए, टेंशन अगेन आप लेंगी तो आप पे कोई भी नुस्खा कारगर नहीं साबित होगा। अब एक ड्रिंक आपको सुपर स्पेशल ड्रिंक है वो आपको थायराइड में जरूर लेना चाहिए, उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिशियल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, और वो होता है फ्रेंड्स कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर का आपको स्मूदी बना लेना है, यानी कि फ्रेंड्स कोरिएंडर पाउडर का जो पाउडर अगर आपने घर में बनाया है ग्राइंड करके, तो एक चम्मच छोटे वाले चम्मच से उस पाउडर को निकालिए और फ्रेशली वाटर में ड्रिंक करने वाले पानी के अंदर एक गिलास के अंदर डालकर मिक्स करिए, और दिन में किसी भी समय आप इसको पी सकते हैं, चाहे खाली पेट हो चाहे खाना खा कर लें, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप कोरिएंडर पाउडर लेना स्टार्ट करिए। ये थायराइड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज़ में से एक है। फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत हेल्दी बेबी होता है, डिलीवरी काफ़ी आसानी से बहुत अच्छे बेबी के साथ होती है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने कई सारे क्लाइंट्स को देखा है कि बहुत ही हेल्दी बेबी कंसीव कर किया भी है और डिलीवर्ड हुआ भी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मेडिसिन दिए गए हैं वो टाइम पर लेते रहिए, खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस्ड बना के रखिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती, कुछ भी समस्या आती, कुछ भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं, ओपनली आप डॉक्टर से उसकी गाइडेंस लीजिए, उसके लिए चार्ट प्रॉपर आते हैं अलग अलग इश्यूज के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए डॉक्टर आजकल चार्ट देते हैं, और उसको देख करके आप आगे की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के हेल्दी तरीके से। तो आई रियली होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बेहद काम की थी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, और इससे आपको बहुत जल्दी कंसीव भी होगा, साथ ही साथ आप अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप प्रॉपर देखना चाहते हैं पर डे, तो मेरे डेली वीडियोस आते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, और आप मुझे कोई कमेंट भेजना चाहते हैं, कुछ मुझसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दीजिए लाइक बटन प्रेस करके। मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अपना पूरा ध्यान रखिएगा, टेक केयर। Guys, thanks for watching.